है गाइस, हेलो। तो मैं एक बार फिर से आ गया हूँ एक नया और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आपके पास। तो गाइस, यहाँ पे ऐसा इंतजार कर रहा है रेडमी के 40 और के 40 प्रो की लॉन्च की इंडिया में। तो मैं आज उसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि क्या कुछ एस्पेक्ट्स और कब तक इंडिया में आ सकती है रेडमी के 40 और के 40 प्रो। तो गाइस, वीडियो में इन तक बने रहे, आगे चल के बात करते हैं इस एस्पेक्ट्स के बारे में और क्या कुछ एस्पेक्ट्स निकल के आ रही है सबके बारे में। तो हेलो गाइज, मेरा नाम आयुष है, मैं आपका स्वागत करता हूँ मिस्टर 18 गैजेट्स में। तो गाइज, रिसेंटली चाइना रेडमी के सीईओ ने ये ऑफिशियली बता दिया कि 25 फरवरी को चाइना में रेडमी के 40 और के 40 प्रो लॉन्च हो रही है। तो गाइज, हो सकता है कि जल्द ही इंडिया में भी लॉन्च हो। चलिए आगे इस पर बात करेंगे, कब तक कब इंडिया में लॉन्च होगा इस पर आगे बात करेंगे। तो अभी फ़िलहाल बात करते हैं इस फ़ोन में क्या स्पेक्स लीक्स निकल के आ रही है। तो गाइज, इस अगर बात करें इस फ़ोन की स्पेक्स की, तो गाइज इस फ़ोन बोथ फ़ोन एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड रहेगी। जहाँ बात करें स्क्रीन की, गाइज इस फ़ोन में 6.67 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिल सकती है और साथ ही 4500 एम एच की बैटरी, साथ ही फास्ट चार्जर। दोनों फ़ोन जो है 5G और 4G की कनेक्टिविटी के साथ आएगी। अब जहां बात करें इस फ़ोन की कैमरे की, तो गाइज रिसेंटली जो टीना पे पिक स्पॉट हुई थी, गाइज रेडमी के 40 में गाइज दो बिग सेंसर, दो छोटे सेंसर दिख रहे थे। तो मे भी हो सकता है वो क्वाड सेटअप हो 64 मेगापिक्सल के साथ। तो ये तो अभी कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि क्या कुछ कितना मेगापिक्सल का था, वो कब कितना मेगापिक्सल के साथ आ सकता है। तो वो तो जब आएगा तब देख लेंगे, वो तो बाद की बात। और सेम गाइज के 40 प्रो में भी सेम दो बड़े सेंसर, दो छोटे सेंसर विथ ए फ्लैश दिख रहे थे। तो इसके बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता है कितना मेगापिक्सल का हो सकता है कैमरा सेटअप। तो आगे बात करते हैं अब गाइज कि कौन सा चिपसेट देखने को मिल सकती है हमें इन दोनों फ़ोन में। तो अकॉर्डिंग टू लीक्स, गाइज के 14 में 870 देखने को मिल सकती है और साथ ही रेडमी के 40 प्रो में स्नैपड्रैगन 888 देखने को मिल सकती है। तो अगर बात करें कि इंडिया में कब तक ये फ़ोन आ सकता है, गाइज रिसेंटली टेना जो सर्टिफिकेशन वेबसाइट है चाइना का, उस पर एक मॉडल नंबर K40 के साथ K40 का मॉडल नंबर भी स्पॉट किया गया था। तो वो मॉडल नंबर गाइज इंडिया के BIS वेबसाइट पे मैच कर रही थी। शायद हो सकता है कि जल्द ही इंडिया में आने वाली है K40 और K40 प्रो, वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। तो गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं गाइज अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।